The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone. Namaskar, adab, sat sri akal. Kaise hain aap? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। एग्ज़ाम टाइम शुरू है, एग्ज़ाम्स हैं, लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं। हमने एक वीडियो कल बनाया था जिसमें हमने आपको बताया कि एग्ज़ाम डाइट कैसी होनी चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए, कम पढ़ाई करने का जो इफ़ेक्टिव स्टडी टाइम है वो बढ़ जाए, राइट। और आज हम आपको बताएंगे कि क्या खाना चाहिए। हमने उस दिन आपको बताया क्या नहीं खाना चाहिए, हमने बताया आपको भूखे नहीं रहना है, आपको मीठा नहीं खाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई और बताया कि बाहर से चिप्स विप्स चूड़ा चूड़ा नहीं खाना, क्यों नहीं खाना है वो भी बताया। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। और आज आपको बताएंगे कि क्या खाना, कैसे खाना, उसका क्या एडवांटेज होगा, एग्ज़ाम डाइट क्या होती है। सो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम के दौरान मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कांस्टेंट एनर्जी मिले आपको पढ़ाई करने के लिए, जागे रहने के लिए, या एक्चुअल माइंड में मेमोरी, इम्पॉर्टेंट मेमोरीज और सारे ब्रेन में केमिकल रिएक्शंस के लिए भी यू नीड एनर्जी। सो कांस्टेंट एनर्जी मिलना अपने आप में डिफ़िकल्ट जॉब होता है बिना बैलेंस्ड डाइट के। और बैलेंस्ड डाइट अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बैलेंस्ड डाइट में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको लेना है, वो है कार्ब्स। जब आप एक कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है आपके इसके लिए, लेकिन शुगर्स नहीं, सिंपल शुगर नहीं। जैसे हमने पिछली बार बताया, तो सिंपल शुगर लेंगे इंसुलिन स्पाइक होगा, आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाओगे, फिर एकदम थोड़ी देर बाद इंसुलिन से शुगर कम हो जाएगी, आपको भूख लगने लगेगी। सो यू नीड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जितने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होंगे उतना बेहतर, ठीक है। यानी कि सिंपल मैदे गेहूँ, उसकी जगह आप कॉम्प्लेक्स रोटियाँ खाइए, आप ब्राउन ब्रेड खाओ या मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन ब्रेड, उस तरीके की चीज़ें, ओट्स, राइट। आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें खानी है ताकि वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा, दो घंटे की जगह वो छः घंटे आपको एनर्जी देगा और आपको भूख नहीं लगेगी। सबसे इम्पोर्टेंट, भूख लगेगी तो माइंड डाइवर्ट होगा, ये खाऊं कि वो खाऊं, क्या ऑर्डर करूं, क्या मंगाऊं, बहुत सारी चीज़ें, इसको बोलूं, उसको बोलूं। सो अ लॉट ऑफ टाइम विल बी सेव्ड, आपका इफ़ेक्टिव स्टडी टाइम बढ़ेगा सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने से। एक चीज़ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है प्रोटीन्स। आपके शरीर को उस समय आपकी मेमोरीज के लिए, आपके इवन ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर गाबा, ग्लूटामेट, इनके लिए यू नीड ग्लूटामीन, यू नीड प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड। सो अमाइनो एसिड की बहुत आवश्यकता होती है उस समय, एनर्जी के लिए भी, और क्योंकि ग्लूटामीन इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर इंटेस्टाइन, फॉर हिपेटोसाइट्स, फॉर योर WBCs, फॉर योर ब्रेन ऑल्सो। सो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेटरी एनर्जी अमाइनो एसिड से भी मिले, और ग्लूटामीन सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन है, इंपॉर्टेंट है। सो यू नीड प्रोटीन्स, सो प्रोटीन खाने भी जरूरी है। सो ध्यान रखना है कि आपके प्रोटीन कंप्लीट हो, प्लांट सोर्स हो या एनिमल सोर्स हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोटीन कंप्लीट हो। कितना कंप्लीट? एटलीस्ट 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट कंप्लीट हो, 1.2 ग्राम 1.8 ग्राम तक भी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए साइंस ऑफ न्यूट्रिशन देख सकते हैं कैसे कंप्लीट करना है। थर्ड चीज़ जो आपको चाहिए वो है दूध। दूध को अगर आप दिमाग से इस्तेमाल करेंगे, इफ़ यू नो हाउ इट वर्क्स, इफ़ यू नो उसके इम्पॉर्टेंस, तो बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आपको दूध डाइजेस्ट होता है, अगर आपको वो गैस नहीं बनाता, लैक्टोस इंट्रॉलरेंस नहीं है, अगर वो अच्छे से पच जाता है, तो आप क्या करें, जब भी आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, एग्ज़ाम टाइम पे आपको नींद आ जाएगी, आपने ज़्यादा पसंद आ गया, आपने ज़्यादा खा लिया, आपको नींद आएगी, इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा। तो क्या करें, उसके बाद दूध पी लें। जी हाँ, दूध पी लें। जी हाँ, दूध आपकी कैलोरी बढ़ा देगा और बढ़ाएगा, क्योंकि और दूध पी रहे, दूध में कैलोरी, लेकिन दूध क्या करेगा, स्लो एब्जॉर्प्शन कर देगा, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो कर देगा, पेट में जो आपके पेट में खाना जाएगा, पेट से स्लो स्लो नीचे जाएगा। सो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो हो जाएगा, क्योंकि दूध अंदर जाके पेट में मिसिकल्स बना दे, वो मिसिकल्स जो हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो कर देते हैं, तो जो खाना 3 घंटे में एब्जॉर्ब होना है वो 6 घंटे 8 घंटे में एब्जॉर्ब होगा। सो आपका स्लो प्रोसेस से इंसुलिन कम स्पाइक होगा, आपको नींद कम आएगी, आपको भूख कम लगेगी। हाँ, अगर आपको दूध से गैस बनती है तो गैस बन सकती है। सो इसलिए दूध नहीं हो रहा है तो दही ले लो, पनीर ले लो, लस्सी ले लो, छाछ ले लो, डजंट मैटर, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर नहीं डालना,
ठीक है, क्योंकि शुगर्स आगे इंसुलिन स्पाइक करेंगे। तो ये थर्ड चीज़ है, इसलिए एक बैलेंस डाइट ज़रूरी है। साथ ही यू नीड वाइटामिन्स, तो वाइटामिन्स के लिए वेजिटेबल्स खानी है जो भी उस मौसम में अवेलेबल हैं, तो एक फ्रूट ज़रूर खाइए ताकि वहाँ से भी आपको फाइबर और वाइटामिन्स मिले। नो डोंट वांट कॉन्स्टिपेशन हो जाए, आपको नहीं चाहिए कि आप विटामिन डेफिशिएंसी हो जाए, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, B12 विटामिन से बहुत ज़रूरी है, इसलिए फ्रूट्स भी खाओ, ये भी खाओ, दूध भी पियो, नॉनवेज भी खाओ, अगर खाते हो, नहीं खाते हो तो दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, इंपॉर्टेंट, राइट? और पानी, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग नहीं पीते, पूरा दिन पढ़ाई में लगे हैं, पानी नहीं पी रहे, ख्याल नहीं रख रहे अपना। सो डिहाइड्रेशन से ब्रेन को भी हाइड्रेशन नहीं मिलेगा और डिहाइड्रेटेड ब्रेन इरिटेबल हो जाता है, इसलिए कई बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, उनसे याद नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या पढ़ूंगा, तेरा कितना हो गया, मेरा कुछ हो क्यों नहीं रहा। सो दैट इज़ ऑल्सो वन साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, राइट? यूरिन कम जाने के लिए चक्कर में कहते हैं मैं कुछ यूरिन भी नहीं जा रहा, मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, बट दैट इज़ रॉन्ग। डिहाइड्रेशन अवॉइड करना है, पानी इनफ पीना है, 3 लीटर 8 से 10 गिलास इंपॉर्टेंट है रोज, ठीक है? खाने के 1 घंटा पहले, 2 घंटे बाद, कोशिश करो खाने के साथ ज़्यादा मत पियो, थोड़ा बहुत पी सकते हैं। सो पानी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या ज़रूरी है एग्जाम डाइट में व्हाट यू नीड आर ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 आपके डाइट में होना चाहिए, चाहे आप वो फिश से लो, चाहे चिया सीड से लो, चाहे अलसी लो, चाहे ड्राई फ्रूट्स लो, चाहे कैसे भी लो, ओमेगा 3 आपके डाइट में डेली होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं बादाम खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होता है, उसमें प्रोटीन होता है, राइट? समझ रहे हैं बात? ऐसे उसमें विटामिंस होते हैं, सो इसलिए बादाम से दिमाग बढ़ता है, तो इनसे भी बढ़ेगा, उसका बेसिक है ये। फिर क्या चाहिए? ब्रेकफास्ट, जी हाँ, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट जो बोल लीजिए, ब्रेकफास्ट खाना ज़रूरी है, लेकिन हैवी ब्रेकफास्ट नहीं खाना है, वो हमने लास्ट वीडियो में बताया था। हैवी ब्रेकफास्ट से आपको नींद आएगी, इंसुलिन स्पाइक होगा, लेकिन ब्रेकफास्ट खाना है, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, और ब्रेकफास्ट होना चाहिए लाइट, क्योंकि ये देखा गया है रिसर्चेस में कि जो ब्रेकफास्ट खाते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद उस दिन आपका ना सिर्फ अटेंशन बढ़ता है, बल्कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बढ़ती है। सो एग्ज़ाम के दिन ब्रेकफास्ट खा के जाना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम के दिन के लिए ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और क्या ज़रूरी है? चाय, कॉफ़ी, कैफीन। कॉफ़ी, चाय, कैफीन से भी आपका अटेंशन, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। सो एग्ज़ाम के दिन चाय कॉफ़ी पी के जाओ, ठीक है? और एग्ज़ाम से पहले जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पढ़ने से पहले चाय कॉफ़ी पियो। ऐसा नहीं कि नींद आ रही है, आप जागने के लिए चाय कॉफ़ी नहीं पीना है। रात को अगर आप चाय कॉफ़ी पी के जागेंगे तो 6 घंटे 8 घंटे उसका असर होता है चाय का। चाय पी के 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, फिर सोना भी चाहोगे, 4 घंटे नींद सही से नहीं आएगी। बोलोगे मैं 4 घंटे सोता हूँ, वो नींद ही सही नहीं होगी, माइंड रिफ्रेश नहीं होगा, अगले दिन नींद में घूमोगे, अगले दिन रिफ्रेश ही नहीं होगे तो क्या एग्ज़ाम दोगे? कौन चाहता है थोड़ा बौखलाए यार, समझ नहीं आ रही मुझे क्या कुछ तो पढ़ा था? नो, दिमाग लगाओ, सही जगह सही चीज़ सही टाइम पर इस्तेमाल करो। सो कॉफ़ी, कैफीन एग्ज़ाम से पहले, पढ़ाई से पहले, रात को नहीं, 6 बजे 8 बजे के बाद नहीं। अगर रात भर पढ़ाई करनी है तो पहले पी लो, लेकिन सोने से पहले नहीं, ठीक है? और एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ, 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक ले लो, बीच में ले लो, 1 घंटा 2 घंटे के बाद कंटिन्यूस पढ़ाई करिए, 5 मिनट ब्रेक ले लो, रिलैक्स कर लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, या कोई हॉबी कर लो, कोई आप गेम खेलते हो गेम खेल लो, कोई म्यूजिक सुनना है, कोई कॉमेडी, कोई हंसने वाली चीज़, समथिंग लाइक दैट, डू दैट, इट्स इंपॉर्टेंट। कोई कॉमेडी वीडियो देख लो, क्योंकि यू बी सोशल, दोस्तों से बात कर लो, फैमिली से बात कर लो, आउट ऑफ द टॉपिक, सिर्फ एग्जाम के बारे में नहीं, चेंज द टॉपिक, राइट? इट्स इंपॉर्टेंट आपके दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए। एक्सरसाइज से आपका माइंड क्लियर होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट का हो, 10-5 मिनट कोई भी निकाल सकता है, नो बिग डील, ठीक है? दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिलैक्सेशन टेक्निक्स। एग्जाम में स्ट्रेस पे एक डिफरेंट वीडियो आएगा हमारा विद इन स्मॉल टाइम, लेकिन एग्जाम स्ट्रेस रिलीव करने का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है, 5-10 मिनट निकालो, जाके फ्रेश हो जाओ, थोड़ा फ्रेश हवा में जाके घूम के आओ, वॉक कर लो, दोस्तों से बात कर लो, पेरेंट्स से बात कर लो, किसी से बात कर लो, और या म्यूजिक सुन लो, वीडियो देख लो, कॉमेडी वाला, एक्सरसाइज कर लो, माइंड फ्रेश करो, रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, कुछ भी करो, 5-10 मिनट का ब्रेक लो, राइट? बीच बीच में, इट्स इंपॉर्टेंट। सो ये सब चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी 10 ऐसी चीज़ें हैं, top 10 फूड्स जो आपको खाने में इंक्लूड करना है एग्ज़ाम टाइम पे, एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम के आसपास, या अगर आप अपना दिमाग बढ़ाना चाहते हैं तो, या मेमोरी बूस्ट करना चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, एग्ज़ाम डाइट। आई होप आपको मदद मिली होगी या कुछ नया सीखने को मिला होगा।
मिला है, अच्छा लगा है तो लाइक करके हमें बताओ और शेयर करो वीडियो जितना हो सके। धड़ाधड़ एग्ज़ाम टाइम है, लोगों को पता होना चाहिए। व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सब जगह डाल दो। राइट, मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।